कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ई वन सी बी, क्या फुल फॉर्म बनेगी? लिखिए एलिमिनेशंस, एलिमिनेशंस रिएक्शंस ऑफ यूनिमोलिकुलर एंड कॉन्जुगेट बेस्ड रिएक्शंस। अब इसको यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस्ड रिएक्शन भी लिख सकते हो, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशंस कॉन्जुगेट बेस बेस रिएक्शंस। हो क्या रहा है, ये कब देखने को मिलेगा? पहले तो आप इस चीज को समझे कि कब देखने को मिलेगा। जब आपके पास लिविंग ग्रुप इज वीक, अगर लिविंग ग्रुप वीक है तो आपको ये देखने को मिलेगा। और लिविंग ग्रुप वीक का एग्जाम्पल आपके पास क्या है? एफ, कुछ हद तक OH भी अच्छा भी लिविंग ग्रुप नहीं है। तो ये हमारे पास लिविंग ग्रुप अच्छे नहीं है, OH OR अच्छे भी लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो अब आगे मैकेनिज्म कैसे होगी? स्टेप फर्स्ट, मान लीजिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहां आपके पास फ्लोरीन है। ठीक है, यहां पर भी आपके पास हाइड्रोजन मान लेते हैं। तो जो भी आपके पास बेस होगा वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, बोलो यस और नो। और जब ये करेगा तो आपके पास क्या बनेगा? HCH CH FH। पहले क्या होता था E2 के अंदर, कि जैसे ये इसको बेस करता था, समझना, ये इसको ले लेता था, यानी ये पूरा का पूरा इसको पकड़ लेता था, ये वाला इधर शिफ्ट होता था, ये साइमल्टेनियसली निकल जाता था, तो सिंगल स्टेप में हो जाती थी। अब और क्या कहलाती थी? E2। अब ये क्या कहलाएगी? E1 कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है। स्टेप टू भी हो गया, ये स्टेबल बन जाएगा माइनस, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। तो ये हमारे लिए कॉन्जुगेट बेस भी बन रहा है, और अगली स्टेप में कॉन्जुगेट बेस होगा, जबकि पहले हमें कॉन्जुगेट बेस नाम की कोई चीज नहीं मिल रही थी। तो ये हमारे पास अगले स्टेप में ये इस तरफ जाएगा, और ये निकलने में नाटक कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास धीमे होगी, स्लो होगी। तब आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है E1 CB एंड E2 में? सबसे पहला, यहां लिविंग ग्रुप वीक है, दूसरा ये रिएक्शंस दो स्टेप में हो रही है, वो सिंगल स्टेप में। तो बस इतना सा पकड़ना, E2 और E1 में क्या डिफरेंस है? पहला, E2 E1 CB की बात कर रहा हूं, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। यहां जो रेट है वो आर इक्वल टू के सब्सटेंस और बेस दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, वन वन। और यहां जो रेट है वो आपके लिए किस पे? कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस, ये हमारे पास बाई मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास मोनो मोनो या मॉलिक्यूल है, या यूनि मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं, यूनि मॉलिक्यूल।
दूसरा यहां लिविंग ग्रुप स्ट्रांग है, जैसे आई माइनस, यहां लिविंग ग्रुप वीक है जैसे एफ माइनस। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा, यहां पर लिखे ही हैं। हम सी एन माइनस भी ले सकते हैं, ये भी वीक है लिविंग ग्रुप। ओ पी एच भी हम ले सकते हैं, फिनॉक्साइड आयन, ये भी इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ा सा ईवन सीबी के बारे में बताया था, तो ईवन सीबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ईवन सीबी रिएक्शन। तो ईवन सीबी रिएक्शन के लिए कुछ खास पॉइंट्स आपके पास क्या है? पहला, जो कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? वीक। तो हमारे लिए हो जाएगा लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप इज वीक, यानी जितना वीक होगा लिविंग ग्रुप उतना ही इवन सीबी होने के लिए टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास, इसके अंदर एनायन अपने आप में एनायन इंटरमीडिएट होता है, यानी ये टू स्टेप रिएक्शन होती है। आप अच्छे से जानते हैं इट इज ए टू स्टेप रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शंस इन विच व्हाट? इन विच एनायन, कार्बो एनायन, कार्बो एनायन इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। तो आपको मैं बताना चाहूंगा इस जगह, देखिए कार्बोकेटायन वाली बहुत सारी आपने रिएक्शन देखी है जिसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, जैसे E1 है, SN1 है, पक्का कार्बोएनायन इंटरमीडिएट रहे ऐसी कौन सी रिएक्शन है? कुछ भी नहीं। हाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन की बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग है। यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट होता है स्पेशली रिएक्शन मैकेनिज्म में, और इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ईवन सीबी रेट, रेट ऑफ ईवन सीबी इज प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, कार्बो एनायन। तो आप खुद ही देखिए कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी किससे किस पर निर्भर करेगी या डिपेंड करेगी, नेगेटिव आयन स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? आप जानते हैं माइनस आई या फिर माइनस आर। तो ये सारे ग्रुप इवन सीबी बहुत आसानी से देंगे, कौन सा ग्रुप अगर अटैच हो रहा है, ये लिविंग ग्रुप है, यहां आपके पास एनायन है, यहां अगर एक्स जुड़ा हुआ है या सीएल जुड़ा हुआ है तो ये इसको सपोर्ट करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इवन सीबी की किसके रेस्पेक्ट में? नॉर्मल इसके रेस्पेक्ट में। क्योंकि यहां पर कार्बो एनायन अनस्टेबल है, जबकि यहां पर सीएल की वजह से यह माइनस चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो इवन सीबी यहां रहने को ज्यादा होगी, या फिर इस तरह का कोई आपको देखने को मिले, यहां कोई आर ग्रुप है, यहां सी एच एच ए सी लिविंग ग्रुप और एच H, तो यहां रिएक्शन ज्यादा होगी क्योंकि जो एनायन होगा वो रेजोनेंस में होगा, तो ये किससे ज्यादा होगी? नॉर्मल इवन सीबी से, नॉर्मल सेम थिंग से ज्यादा होगी इवन सीबी, यस और नो? तो इवन सीबी आपको यहां देखने को मिलेगी, या तो ये हो या फिर फिनाइल ग्रुप हो, फिनाइल ग्रुप अटैच होने पर भी आपके लिए इवन सीबी रिएक्शन को बढ़ा देता है। ये सारे फैक्टर वो है जो इवन सीबी को बढ़ाते हैं, लिविंग ग्रुप है एच, तो ये लिविंग ग्रुप
यहां एनायन बनेगा, यहां एनायन बनेगा, वो रेजोनेंस में आने की वजह से वो क्या होगा, स्टेबल होगा, होगा या नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर इवन सीबी को बढ़ा देते। फोर्थ पॉइंट, इन द इवन सीबी रिएक्शंस हॉफमन एल्कीन मे बी मेजर मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, आप खुद देखेंगे। देखिएगा, यहां हमारे पास सी है, ये लिविंग ग्रुप है, यहां सी है, यहां हमारे पास इस तरह से है। ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है। अब आपको एनायन बनाना है, आप एनायन कहां बनाना पसंद करेंगे, इस जगह या इस जगह? ऑब्वियसली इस जगह। क्यों यहां पर एनायन बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहां प्लस आई इफेक्ट नहीं है, यहां बनाते हैं तो प्लस आई इफेक्ट है, तो ये इसको प्लस आई इफेक्ट देगा, जिससे यहां पर एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये वाला हाइड्रोजन आपका आराम से पहले अलग हो जाएगा, बेस ले जाएगा, यानी ये बेस ले जाएगा और यहाँ एनायन बनेगा, यानी कुल मिला के ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर आएगा। तो फाइनली अगर आप इस प्रोडक्ट को देखोगे तो आपके पास क्या रिएक्शन बनेगी, CH3CH2 फिर डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये अपने आप में कौन सी है, हॉफमैन। तो हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। तो ये सारे फैक्टर है जो इवन सीबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार और रिवाइज करा देता हूं, लिविंग ग्रुप वीक होना चाहिए, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट है, एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, तो आपका जब एनर्जी कर्व बनाएंगे तो आपको मल्टीपल स्टेप्स में यानी दो लूप दिखाई देंगे इसके अंदर। इसके अंदर इवन सीबी के अंदर माइनस आई माइनस आर इफेक्ट आने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी एनायन की, जिससे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, इवन सीबी प्रोडक्ट बढ़ेगा और ये हमारे पास आ रहे हैं। एक और प्रोडक्ट, एक और पॉइंट है हमारा फिफ्थ, आपको यहाँ पर प्रोटॉन एक्सचेंज भी देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे ये प्रोटॉन एक्सचेंज क्या है, तो मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर देखिएगा। तो यहां आपको प्रोटॉन या हमारा कौन सा नंबर का पॉइंट है, फिफ्थ, प्रोटॉन ऑब्लिक ड्यूटेरियम एक्सचेंज इज पॉसिबल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डबल स्टेप रिएक्शन है और इंटरमीडिएट यहां पर क्या है, कार्बो एनायन है। देखिए एक बार कैसे हो रही है, मैं स्पेशल एग्जांपल ले रहा हूं जहां इवन सीबी आपको देखने को मिलेगी। मान लीजिए ये आपके पास है, यहां हाइड्रोजन है आपके पास, ये हाइड्रोजन एक और है, यहां लिविंग ग्रुप है, बाकी आप समझदार हैं, यहाँ सी एच थ्री है, यहाँ एच है। कार्बो एनायन कहाँ स्टेबल होगा, इस जगह या इस जगह, इस जगह, यहाँ रेजोनेंस है, तो इसका माइनस आर ग्रुप अटैच है एक तरह से, और माइनस आर स्टेबिलिटी बताता है। अगर इसकी जगह कोई आर ग्रुप होता, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होता नॉर्मल, या प्लस आर ग्रुप होता तो वो स्टेबिलिटी कम कर देता, या प्लस आई ग्रुप होता तो वो स्टेबिलिटी क्या करता, कम कर देता। तो यहां मेरे पास स्टेप फर्स्ट क्या होगी, स्टेप फर्स्ट होगी आपके पास एनायन बन रहा है सी एच माइनस, ये वाला बेस इस हाइड्रोजन को ले जाता है जिससे यहां पर एनायन बनता है, यहां लिविंग ग्रुप है, यहां सी एच थ्री है, ये एच आपके पास है और ये स्टेबल है पक्का, लेकिन दोनों अपने आप में रिवर्सिबल है और ये बहुत फास्ट होती है। स्टेबल बोलना या नहीं बोलने से अभी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फास्ट हो रही है। ऐसा मैं तभी बोलता हूं फास्ट जब सेकंड रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो, यानी इस तरह से देखिए आप, सी एच माइनस सी लिविंग ग्रुप और फिर सी एच थ्री एच, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बाहर जाएगा, तो आपके पास इस जगह सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री और एच आपको देखने को मिलेगा। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि सर ठीक तो है, कहां प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ, यहां से पहले एच निकला है और
फिर आपके पास ये एनायन इस तरह शिफ्ट हो गया, तो प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं हुआ, यहाँ तो प्रोटॉन लिबरेट हुआ है, आप यही बोल रहे हैं ना? ठीक है, लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ देखिए क्या ऐसा है, यहाँ पर कौन सी स्टेप स्लो है? सेकंड वाली, ये स्टेप स्लो है और यही हमारे लिए क्या है, आरडीएस भी कहलाती है। इससे पहले कि ये वाली रिएक्शन हो, ये रिवर्सिबल है, कहीं और से अगर हमें ड्यूटेरियम मिल गया तो क्या ये ड्यूटेरियम के साथ वापस रिवर्सिबल नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ऐसा क्या है जो पहले देखने को नहीं मिला? पहले, आज से पहले जितनी भी आपने मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन देखी है, भले वो SN1 देखी है या E1 देखी है, उसमें स्टेप फर्स्ट आपकी स्लो थी, इसलिए इस तरह का प्रोटॉन एक्सचेंज आपको देखने को नहीं मिलता था। इन रिएक्शन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेकेंड स्टेप आपकी स्लो है, फर्स्ट फास्ट है, और जो फास्ट होती है वो रिवर्सिबल होती है। ध्यान से सुनिएगा, जो फास्ट होती है वो रिवर्सिबल होती है, और जो स्लो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। लिख लो चाहो तो, फास्ट आपके लिए क्या है, फास्ट रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, अच्छे से लिखिए, एंड स्लो रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। तो ये इरिवर्सिबल है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आपने इस बीच में कहीं से इसको ड्यूटेरियम दे दिया, कैसे दे दिया, दे सकते हैं बाहर से, ड्यूटेरियम एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये H प्लस तो अलग हुआ ही है। अब हो ये रहा है कि ये जो कंपाउंड है आपके पास, एनायन जो है आपके पास CH माइनस और C लिविंग ग्रुप CH3 H, अब ये H प्लस किसी भी प्रोटॉन एक्सचेंज के साथ, लाइक आप कुछ भी ले सकते थे, आप ले सकते ROD ले सकते थे, प्रोटॉन एक्सचेंज हो ही जाता, हाइड्रोजन आता और ड्यूटेरियम निकल जाता। तो वो ड्यूटेरियम निकलने के बाद, जब वो ड्यूटेरियम निकलता तो वो वापस यहां से अटैक कर देता और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देता, इस तरह का बना देता, CH D फॉर ड्यूटेरियम और फिर कार्बन लिविंग ग्रुप और CH3 H, और उसके बाद ये रिएक्शन मैकेनिज्म होती, आगे भी हो सकती है। तो अगली बार ये हाइड्रोजन अलग होता और वापस वैसे ही चलता आपके पास, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता, C डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3। और जब भी इस तरह से प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं E1C हुई है, इसीलिए हुआ है। अगर E1C पॉसिबल नहीं होती तो प्रोटॉन एक्सचेंज भी नहीं होता। तो यहां देखिएगा आप, कितना अच्छा है कि आपका प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ है और इस तरह से आपका प्रोडक्ट बना है। तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज विद ड्यूटेरियम आयन। यानी रिजल्ट आपके लिए क्या है, दो रिजल्ट आपके पास फिर आ रहे। पहला, व्हेन एच प्लस इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम प्लस, देन रिएक्शंस is E1CB। पहली चीज E1CB हुई है उसके अंदर, और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये भी आ रहा है कि रेजोनेंस जैसा इफेक्ट भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है जो E1CB को बढ़ाता है। तो बाकी तो हमारा खैर मेन रिजल्ट तो ये है कि E1CB आपको क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ है और फिर उसके अलावा एलिमिनेशन भी हुआ है। एंड फाइनल प्रोडक्ट इज एल्कीन। तो ये दोनों, फाइनल प्रोडक्ट इज एल्कीन होगा, तभी आपको E1 के अंदर हमेशा वैसे एलिमिनेशन है तो एल्कीन तो बनना ही है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको E1CB के बारे में मालूम होनी चाहिए। एक, हाफ वन प्रोडक्ट इसमें ज्यादा देखने को मिल जाता है, दूसरा प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है, तीसरा इसके अंदर जो आपके पास आ रहा है कि सेकंड स्टेप स्लो है, तो रेट भी आपके लिए क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती है, न कि सेकेंड ऑर्डर की। मैं फिर बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर की, एक कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड करता है। तो ये भी अपने आप में यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गई। तो ये सब चीजें क्लियर है, और वो भी किस पर डिपेंड करता है, कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन पे।
तो आ रही है बात समझ में? तो ये सब लिख सकते हैं आप,